हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्बियस ट्रेलर के बारे में, जो सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स पे आया था। भाई काफी धूम मचा था भाई ट्रेलर था, जहाँ ये बोला गया कि वेनम और स्पाइडरमैन के हाउस से निकला ये मॉर्बियस मार्वल एसोसिएट करता होगा। ये ट्रेलर पांच 6 दिन पहले आ चुका है। आज मुझको ये ट्रेलर रिव्यू करने का मौका मिला और बहुत अच्छा सौभाग्य मिला कि इस तरह के ट्रेलर रिव्यू मैं करता हूँ। एमआर ब्लॉग स्पॉट जो वीडियो लाता है, इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं मॉर्बियस ट्रेलर के बारे में, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, काफी ज्यादा डरावना लगा और काफी ज्यादा एक लगा कि देख रहे हैं एक मार्वल एसोसिएटेड ट्रेलर। जो सोनी पिक्चर एक धूम धड़ाका था जब स्पाइडरमैन उसके पास था। बेसिकली अभी भी उसके पास ही है, लेकिन अब मार्वल भी इसका कुछ हिस्सेदार बन चुका है। तो मॉर्बियस एक अच्छी कहानी है, जहाँ पे एक वेम्पायर क्रिएट एक जो वायरस को लड़ने के लिए, हील करने के लिए आता है, लेकिन वो निगेटिव लाइन पे चला जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है सारे हीलिंग पावर को और बन जाता है एक दानव। एक मॉर्बियस जो बहुत ही ज्यादा कंटेंट धारी और कहीं ना कहीं जो एक अनेक लेवल का एक ब्यूटी है। मतलब आप मॉर्बियस का ट्रेलर देख रहे थे, आप फील करेंगे कि आप मार्वल का कोई स्टूडियो का अच्छा मूवी देख रहे हो। और जब उसके साथ कुछ सिनॉप्सिस होगा, तो मतलब जो दिसंबर में आने वाला है नो वे होम, उसके साथ काफी चेंजेस होने वाले हैं, काफी धूम धड़ाका होने वाला है और काफी ज्यादा विलन होने वाले हैं, जो मॉर्बियस से भी कहीं ना कहीं को रिलेट करके आपको स्पाइडरमैन में जोड़ दिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेलर था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ कुछ कुछ सीन्स तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे थे, जो देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, प्लस एक ब्यूटीफुल कंटेंट मैसेज दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगा ये ट्रेलर रिव्यू, हमें कमेंट करके जो बताया, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, हमारे ब्लॉग्स को भाई सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं, टिल देन, बाय बाय।